वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। मेरठ छावनी परिषद में आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। हाल ही में अविश्वास मत से हटाई गई बीना वाधवा एक बार फिर से इस पद पर काबिज हो गई। छावनी परिषद उपाध्यक्ष के पद पर काबिज होने के लिए बीना वाधवा व उनकी टीम ने भाजपा संगठन के उस आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया जिसमें सभी से बैठक में मौजूद होने वे विपिन सोडी को उपाध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। विपिन सोडी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पास होने के बाद भाजपा संगठन को करारा झटका लगा था। बीना वाधवा ने इसके बाद भाजपा ज्वाइन की और फिर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए फिर से उपाध्यक्ष पद पर काबिज हो गई। बीना वाधवा व छावनी परिषद के बाकी सदस्यों ने जिस तरह से पलटी मारी है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कैंट में भाजपा की राह अब आसान नहीं रह गई। इन लोगों ने यह भी साफ संदेश दे दिया है कि छावनी परिषद की राजनीति में जो कुछ भी होगा उनकी इच्छा से होगा, संगठन के हिसाब से नहीं। यही कारण रहा कि विपिन सोडी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद भाजपा को कड़ा झटका लगा था। उस वक्त भाजपा संगठन की दिलों की धड़कन, सभी सदस्यों का मोबाइल बंद होना भी रहा। जवाब तलब हुआ तो सभी ने एक राय जवाब दिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जब घर पहुंचे तो उन्हें बैठक की जानकारी हुई जिस कारण वे बैठक में मौजूद नहीं हो पाए। बुधवार को भाजपा की महानगर समन्वय समिति की ओर से पत्र जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि समन्वय समिति ने सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के रूप में विपिन सोडी का नाम फिर से तय किया है। इसके लिए सभी सदस्यों को पत्र भेजकर हरमन सिटी भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया था। बीना वाधवा, अनिल जैन, नीरज राठौर आदि के मोबाइल लगातार बंद होने से साफ हो गया था कि कैंट की राजनीति में बगावत का बिगुल बज चुका है। शाम होते होते यह स्पष्ट भी हो गया कि छावनी परिषद की राजनीति वहां के सदस्यों के हिसाब से चलेगा, भाजपा संगठन के हिसाब से नहीं। चार पार्षदों ने बीना वाधवा को समर्थन दिया। वार्ड 6 की सदस्य मंजू गोयल इस दौरान मौजूद नहीं रही। भाजपा संगठन से बात करने के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए बीते दिवस से अपनी राह पाते हुए विपिन सोडी को शाम होते होते झटका लग गया। हालांकि सभी संबंधित सदस्यों के मोबाइल बंद होना यह संकेत लगातार दे रहा था कि जैसा वे चाह रहे हैं वैसा होने नहीं जा रहा है। इस मौके पर विपिन सोडी ने कहा कि चारों सदस्यों ने पार्टी के आदेश की अवहेलना की है। विश्वास प्रस्ताव को लेकर विपिन सोडी ने कोर्ट में भी याचिका दाखिल की हुई है जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई है। आइए देखते हैं क्या बता रही हैं छावनी परिषद की नव निर्वाचित उपाध्यक्ष बीना वाधवा। भारतीय जनता पार्टी की मैं बहुत छोटी सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी हमेशा, पार्टी का सम्मान हमेशा मेरे लिए सर्वप्रिय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरे लिए हमेशा सर्वप्रिय रहेगा। पार्टी के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के सम्मान में, छावनी परिषद के सम्मान में, छावनी की निवासियों के सम्मान में मैं हमेशा कटिबद्ध हूँ और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करती रहूँगी। जो मेरे कार्यकाल में मैंने बड़ी मेहनत के साथ जो योजनाएं पास करी थी, जैसे मोबाइल टावर्स की योजना रोक दी गई थी, सीवरेज की योजना रोक दी गई थी, सब डिविजन डेवलप करने की जो सारे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी उसके ऊपर काम किया जाएगा और मैं कटिबद्ध हूँ अपनी पूरी मेहनत के साथ छावनी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूँगी। मैं दिल से, पूरे तह दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ कि पूना उन्होंने मेरे पर विश्वास जगाया और हमेशा उनके मान सम्मान में मैं हमेशा कार्य करती रहूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।